2006 में ये कंपनी लिस्टिंग हुई थी 262 रुपये के आसपास, और ये गया था दोस्तों 560 रुपया। और ये 560 रुपया कोई भी एक साधारण स्टॉक मार्केट के शेयर धारक का पैसा नहीं लगा था, इसलिए कि अपर सर्किट लगते लगते 562 रुपया गया था। और उसके बाद ऐसा प्रचार प्रसार हुआ दोस्तों, हमें वो दिन भी याद है, उस समय हम आपके सामने नहीं आते थे, इसलिए कि अभी तो एक साल हुआ इस चैनल का। तो ये इतना प्रचार प्रसार हुआ कि लोग खरीदते गए, किसी ने 460 में ख़रीदा, किसी में 500 खरीदा, किसी ने 550 में ख़रीदा, और 560, 550, 540, 505, फिर उसके बाद 70 रुपया पे आके ये रुका दोस्तों। और आज के डेट में ये 1 रुपया के आसपास, मतलब कि आज भी लोग सबसे ज़्यादा अगर इसमें फंसे हैं तो पब्लिक, और इसका परसेंटेज भी सबसे ज़्यादा दोस्तों। उस कंपनी का नाम बता देते हैं आपको, पुंज लॉयड लिमिटेड। ये अभी आज के डेट में 3 रुपये के आसपास है, तो ये समझ लीजिए कि ये भी एक चोर कंपनी है। और ये सिर्फ और सिर्फ नए शेयरधारक इसमें फंसते हैं पैनी शेयर के नाम पे। और पैनी शेयर का मतलब क्या होता है, जो जब नुकसान हो जाता है तब आपको बताते हैं दोस्तों। जानिए इसके बारे में पूरी कहानी, आप भी पढ़िए और आप भी बताइए कमेंट में कि हाँ सर क्या बोल रहे हैं, आपकी 100% गलत है या सही है, कमेंट में ज़रूर बताइए दोस्त। नमस्कार दोस्तों, इंट्राडेटेक मुंबई में आपको पहली बार आए हैं तो सभी दोस्तों को बहुत बहुत स्वागत है। और नए शेयरधारकों के लिए हम क्या हैं, पिछला वीडियो ज़रूर देखिए हमारा। ये चैनल को किस लिए बनाए हैं आपको पता चल जाएगा दोस्तों। हमें इसलिए मालूम है कि हम भी आप ही की तरह एक दिन नुकसान पहुंचाएं, और इसलिए ये जो आवाज़ें निकलती हैं ये जला हुआ, ये दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक पीने के लिए आप नए शेयरधारकों को मैं बार बार इसलिए करता हूं कि इन चोरों से, चोर कंपनियों से और एक्सचेंज में बैठे दलाल ग्रुप के दलाल जो हैं उनसे, और ये वेबिनार क्लासेस और ये सारे के सारे जो आप जितने भी वीडियो देखते हैं दोस्तों, सभी कंपनियों के और सभी बड़े चैनलों के ये दलाल सब बनाते हैं। इंट्राडेटेक मुंबई MBA BK सिंह जैसे एक दो लोग हैं दोस्तों, नहीं जानते तो जान लीजिए आज। जी हाँ, 100% ये सब नए शेयरधारकों को लूटने का और सिर्फ अपना अर्निंग से मतलब दौड़ते हैं। लेकिन इंट्राडेटेक मुंबई MBA BK सिंह की अर्निंग की ऐसी की तैसी, हम जिस काम के लिए आए हैं वो काम करेंगे, हमें जो आने वाला है वो तो कोई रोक नहीं सकता है, इसलिए कि कर्म अच्छे रहेंगे तो परिणाम भी अच्छे होंगे दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। इन कंपनियों की धजिया न उड़ा दिया 2022 में तो मेरा भी नाम MBA BK सिंह नहीं दोस्तों। बने रहिए, अभी तक नहीं आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए, बेल आइकन घंटी भी दबा लीजिए दोस्तों। आज मेरा पारा आसमान पे है, क्योंकि ये दिल्ली के अरविंद केजरीवाल ने हिंदुस्तान के लोगों के दिल पे छुरा भोंका है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।